उत्तर प्रदेश में खाली हुई 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। रणनीति के स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने हमीरपुर समेत 11 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दावा यह कि पार्टी सभी सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बाकी 12 सीटों पर भी जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच बीएसपी ने अंबेडकर नगर की जलालपुर और सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें सरसम्मत से बहन कुमारी मायावती जी को पुनः जो है सरसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और जिनका टिकट हो गया है जी जान से लग के हम लोग उपचुनाव जीतेंगे। 13 सीटें 13 सीटों पर जी उपचुनाव लड़ेगी भी जी। बहुजन समाज पार्टी ने हमीरपुर सीट पर नौशाद अली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बाराबंकी की जैदपुर सुरक्षित सीट से अखिलेश अम्बेडकर, मानिकपुर सीट पर राजनारायण निराला को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रतापगढ़ से रणजीत सिंह पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। मऊ की घोसी सीट पर मुस्लिम चेहरे पर पार्टी ने दांव लगाया है। यहां से कयूम अंसारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बहराइच की सुरक्षित विधानसभा सीट बलहा से रमेश गौतम चुनाव लड़ेंगे। टुंडला विधानसभा सीट से सुनील चित्तौड़ बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि आजम खान के सांसद बनने के बाद खाली हुई रामपुर सदर सीट पर बीएसपी ने जुबेर अहमद को प्रत्याशी बनाया है। इगलास से अभय कुमार, रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने से खाली हुई लखनऊ कैंट सीट पर बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे अरुण द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट पर बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार देवी प्रसाद तिवारी पर दांव लगाया है। उपचुनाव में जो भी माने बहन जी ने सभी कैंडिडेट्स को अपने जितने भी वर्कर हैं जो साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ दिन रात काम करते थे उन्हीं को माननीय बहन जी ने प्रभारी बनाया है, यानी कि उपचुनाव में उनको लड़ाने का फैसला किया है। तेल के पति हैं, एक सीट से हमारी विधायक के साथी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर से एक प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो पूर्व कार्यकर्ता हैं, वामसेफ के कार्यकर्ता रहे हैं और इसी तरीके से सारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर बीएसपी अब अपने सोशल इंजीनियरिंग के उसी फॉर्मूले पर बढ़ती नजर आ रही है जिस फॉर्मूले पर चलकर 2007 में बीएसपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल किया था। क्योंकि 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट बीएसपी की ओर से जारी की गई है उसमें 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम चेहरों के अलावा पार्टी ने पिछड़ा समाज से आने वाले नेताओं पर भी दांव लगाया है। इसके अलावा बीएसपी की रणनीति भाईचारा कमेटियों का गठन कर सर्व समाज को अपने साथ जोड़ने की है, जिसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की हुई बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष नंबर 1 की होड़ सभी राजनीतिक दलों में नजर आ रही है, जहां एक ओर कांग्रेस से प्रियंका वाड्रा ट्वीट के जरिए लगातार योगी सरकार पर हमलावर हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी स्ट्रेटजी में पूरी तरीके से बदलाव किया है, अखिलेश से नाता तोड़ा है, कांग्रेस पर लगातार हमलावर हुई हैं और हैरानी की बात यह है कि 95 के बाद शायद पहली बार बीजेपी के कुछ मुद्दों के साथ साथ में खड़ी नजर आई हैं। बात चाहे आर्टिकल 370 की हो चाहे कुछ और, मायावती के ये बदले तेवर ये कुछ सुगबुगाहट 2022 के विधानसभा चुनाव की ओर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन देशराज के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।